Dear students, welcome again in the lecture series on chemical bonding, in which we are studying about the stereochemistry and bonding in the main group compounds. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन कंपाउंड्स, मेन ग्रुप कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. और ये है पार्ट 13C, यानी बेंट रूल का ये एक पार्ट है. इससे पहले जो 13A था, वहां पर हमने कुछ इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में जाना. फिर हमने जाना कि बेंट रूल एक्चुअली है क्या, और अब हम देख रहे हैं बच्चों कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल. बेंट रूल कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको पढ़ने से क्या फायदे होंगे. तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट आर द बेंट रूल कैन गिव द आंसर अबाउट द डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ, द बॉन्ड स्ट्रेंथ, द बॉन्ड एंगल इन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जो बेंट रूल है वो किसका आंसर देता है, बेंट रूल आंसर देता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एंगल है, जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसके बारे में बेंट रूल किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ये अलग अलग होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, तो कैसे ये अलग होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बेंट रूल से. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बेंट रूल हेल्पफुल है ये पता लगाने के लिए कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट बॉन्ड्स की अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अलग अलग होंगे तो कैसे जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो जाता है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की ऐड होने से. और ये बिल्कुल डिफरेंट है बेटा वेस्पर थ्योरी से. वेस्पर थ्योरी को का जो रिजल्ट होगा वही बेंट रूल का भी रिजल्ट है, लेकिन ये इसको समझाने का तरीका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है वेस्पर थ्योरी से. तो जो पहली जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं वो है बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए यहां पर मैंने मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं. अगर मैं इस तरीके के मॉलिक्यूल की बात करूं जहां पर सब्स्टिट्यूएंट एक से है, देखिए एक्स है, और एक्स को अगर मैं मानूं कि एक्स मे बी एच, मे बी एफ, मे बी सी एल, लेकिन वो सब एक से है, सारे एक्स सी एल हो सकते हैं, ये सारे एक्स F हो सकते हैं, या सारे X H हो सकते हैं, यानी हर एक ऑर्बिटल में, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जो सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें हर एक में क्या होगा, 25% S करेक्टर होगा और 75% P करेक्टर होगा. तो इस तरीके से आप देखेंगे ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कोई भी हो जिनमें कि चारों सब्स्टिट्यूएंट एक से हैं, अगर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो क्या होगा बच्चों इस केस में, कि ये चारों के चारों में जो कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि इनके साथ बॉन्ड बना रहे हैं उनमें एस करेक्टर 25 होगा हर एक हाइब्रिड ऑर्बिट में, और जो पी करेक्टर होगा वो 75% होगा. इसलिए ये सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी, ये सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, और सारे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एक सी होगी. तो अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से होंगे तो परसेंट एस करेक्टर भी एक सा होगा सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक सी होगी, सबकी बॉन्ड लेंथ भी एक सी होगी, और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, एक सा होगा. अगेन अगर हम रिकॉल करें तो हमने देखा था जो बॉन्ड एंगल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी परसेंट एस करेक्टर, वाइल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी परसेंट पी करेक्टर. देखिए हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन देयर इज 50% एस करेक्टर. sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, 50% एस करेक्टर है. sp2 में क्या है, 33% एस करेक्टर है. sp3 में क्या है, 25% एस करेक्टर है, यानी पी करेक्टर जो है sp3 में 75 है, sp2 में 66 है, और sp में ये 50% है. तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, और जैसे जैसे एस करेक्टर डिक्रीज होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा. तो ये हमने कहा है जो बॉन्ड एंगल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस करेक्टर के. एस करेक्टर 50% बॉन्ड एंगल 180, एस करेक्टर 33% बॉन्ड एंगल 120, एस करेक्टर 25% बॉन्ड एंगल 109 डिग्री.
और साथ में हमने ये भी कहा कि जो पी करेक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, बॉन्ड एंगल के। तो पी करेक्टर बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखिए जैसे जैसे पी करेक्टर इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल पी करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एस करेक्टर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है बच्चों कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा जैसे जैसे एस करेक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा जैसे जैसे पी करेक्टर डिक्रीज होगा और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा जैसे जैसे पी करेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये एक ही बात हम कह रहे हैं कि एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल और पी करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप देखेंगे कैसे बेंट रूल हेल्पफुल है बॉन्ड एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जहां पर कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और चारों हाइड्रोजन में क्या होगा, चारों की चारों जो हाइड्रोजन है ये जो ऑर्बिटल जो कार्बन का यहाँ पर जो यूज होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। ये वाला ऑर्बिटल भी जो पार्टिसिपेट करेगा ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यानी सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 25% एस करेक्टर है एंड 75% पी करेक्टर है। ओके, तो इस वजह से आप देखिए सारे हाइब्रिड ऑर्बिट एक से हैं ऑर्बिटल, इसलिए सारे बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री होंगे। अब आप यहां पर देखिए बच्चों, अब हमने तीन H तो ऐसे ही रहने दिए और एक H को रिप्लेस किया F से, और जैसे ही हमने इस H को F से रिप्लेस किया जो कि एक क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, तो हमने एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिप्लेस किया। अब आप बेंट रूल अप्लाई कीजिए। अब जब आप बेंट रूल अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, मतलब कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जिसमें पी करेक्टर अधिक होगा, क्योंकि पी करेक्टर का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो उस ओर कंसंट्रेट होता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, परसेंट पी करेक्टर विल इंक्रीज, ये पॉजिटिव चला जाएगा परसेंट पी करेक्टर। ओके, तो परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो परसेंट एस करेक्टर यहां पर डिक्रीज हो गया। ओके, तो यहां पर जब परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो ये परसेंट एस करेक्टर इन तीनों बॉन्ड्स में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन तीनों बॉन्ड्स में परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, एंड पी करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एटम्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जहां होंगे वहां परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही परसेंट एस करेक्टर कम होगा वैसे ही आप देखिए परसेंट एस करेक्टर कम हुआ बच्चों, परसेंट एस करेक्टर कम होने का मतलब आपने है फिर से याद करिए sp2 परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल विल आल्सो डिक्रीज। परसेंट पी करेक्टर क्या, और सॉरी परसेंट पी करेक्टर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी यहां पर परसेंट पी करेक्टर क्या था, 50% था, और यहां पर परसेंट पी करेक्टर कितना हो गया, यहां पर परसेंट पी करेक्टर 66%, सॉरी यहां पर परसेंट पी करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही परसेंट पी करेक्टर इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर परसेंट पी करेक्टर इंक्रीज हो गया, परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हो गया। या आप एक ही बात लीजिए, आप ये देखिए परसेंट एस करेक्टर डिक्रीजेस सो द बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो डिक्रीज, बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो बॉन्ड एंगल FCH जो FCH बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री से कम हो जाएगा, जबकि HCH
एच, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 109 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों होगा बच्चों ऐसा? तो इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल कम है और ये बॉन्ड एंगल अधिक है। क्यों हो गया? सीधा सा संबंध है कि एफ के आने से यहाँ पर पर्सेंट पी करेक्टर बढ़ जाएगा। पर्सेंट पी करेक्टर बढ़ा यानी एस करेक्टर कम हो गया। एस करेक्टर कम होने का मतलब है कि बॉन्ड एंगल का डिक्रीज हो जाना, इसलिए ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब हमने क्या किया बच्चों, अब देखिए हमने 2H को 2F से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर ये जो F आने से क्या हुआ, यहां पर ये दोनों जगह पर क्या हुआ बच्चों, परसेंट S करेक्टर विल डिक्रीज। परसेंट S करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहां को परसेंट P करेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए परसेंट S करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, परसेंट S करेक्टर विल इंक्रीज। यहां पर परसेंट S करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर परसेंट S करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो जहां पर परसेंट S करेक्टर कम होगा वहां का जो बॉन्ड एंगल होगा, मान लीजिए ये बॉन्ड एंगल 1 है और ये बॉन्ड एंगल 2 है। ओके, तो एच सी एच, ये जो 2 बॉन्ड एंगल है, 2 बॉन्ड एंगल ये क्या होगा, अधिक होगा, और 1 बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहां पर परसेंट एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड एंगल विल रिड्यूस। सो एफ सी एफ बॉन्ड एंगल तो होगा छोटा, एच सी एच बॉन्ड एंगल क्या होगा, बड़ा, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा 109 से कम होगा, ये बॉन्ड एंगल 109 से अधिक होगा। तो ये हम ऑन द बेसिस ऑफ बेंट रूल बता सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए बच्चों, अब यहां पर क्या है, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल एक डिफरेंस है, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड ओ है। और हम जानते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका रिपल्शन अधिक होता है, वो अधिक रिपेल करता है डबल बॉन्ड से अधिक। ओके, तो अगर इस ये रिपल्शन अधिक करेगा तो इसका जो परसेंट एस करेक्टर होगा वो अधिक होगा, वो क्या होगा, अधिक होगा एज कंपेयर टू दिस डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है यानी हम ये कह सकते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो एस करेक्टर होगा वो डबल बॉन्ड ओ से अधिक होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, परसेंट एस करेक्टर की, किसका है, लोन पेयर का परसेंट एस करेक्टर अधिक होता है और डबल बॉन्ड का कम होता है। तो इसका एस करेक्टर अधिक है, ओके, तो इसका एस करेक्टर अधिक है तो इस इन बॉन्ड्स का जो एस करेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका एस करेक्टर अधिक है तो इनका एस करेक्टर क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो जब यहां पर एस करेक्टर कम हो जाएगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एस करेक्टर कम हो गया। इस स्ट्रक्चर में ये जो परसेंट एस करेक्टर है वो अधिक तो होगा लेकिन उतना अधिक नहीं होगा जितना अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में है। तो यहां पर आप देखेंगे जो इक्विवेलेंट जो एफ है यहां पर परसेंट एस करेक्टर उतना कम नहीं होगा जितना कम यहां पर होगा। देखिए आप समझ रहे मेरी बात, यहां पर लोन पेयर का एस करेक्टर डबल बॉन्ड से क्या होता है, अधिक होता है, तो इसका एस करेक्टर अधिक है तो यहां पर एस करेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, कम होगा। अब यहां पर जो एस करेक्टर है वो उतना कम नहीं, उतना अधिक नहीं है जितना लोन पेयर का है, इसलिए ये जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों, एफ इक्विवेलेंट एस इक्विवेलेंट, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये इस इक्विवेलेंट एस इस बॉन्ड एंगल से क्या होगा, अधिक होगा। ये जो बॉन्ड एंगल दिस वन ये क्या होगा, हायर होगा, ये बॉन्ड एंगल अधिक होगा और ये बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि ओ का एस करेक्टर लोन पेयर के एस करेक्टर से कम होता है। तो इसका एस करेक्टर कम होगा तो इनका एस करेक्टर बढ़ जाएगा, अगर इनका एस करेक्टर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आप देखिए जो परसेंट एस करेक्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, इसका परसेंट एस करेक्टर कम है तो यहां पर एस करेक्टर बढ़ेगा, इसलिए ये बॉन्ड एंगल जो है स्ट्रक्चर सेकंड में जो बॉन्ड एंगल है इट विल बी मोर देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट। सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है बच्चों वो है स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस। ये लुईस बेस की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं हम बेंट रूल की हेल्प से बहुत आसानी से। कैसे बता सकते हैं, देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है वो है NF3। ओके, NF3 और यहां पर एक एग्जांपल है NH3, दोनों के ही आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सा उनका इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन सेंटर है, बस डिफरेंस इज दी
difference is in the electronegativity of the surrounding atoms. तो surrounding atoms की जो electronegativity है उसमें difference है. यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर क्या है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स जुड़े हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो परसेंट एस करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इस बॉन्ड में भी डिक्रीज होगा और इस बॉन्ड में भी डिक्रीज हो जाएगा. तो इन तीनों में परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा. तो ये परसेंट एस करेक्टर यहां पर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा. तो परसेंट एस करेक्टर यहां पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये परसेंट एस करेक्टर कम हुआ, यहां पर परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया. ओके, लेकिन यहां अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. इन कंपैरिजन टू दिस फ्लोरीन, यहां पर जो एस करेक्टर है वो उतना नहीं घटेगा जितना यहां घटा है. ओके, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो परसेंट एस करेक्टर है वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना इसका बढ़ा हुआ है. तो क्योंकि इसका परसेंट एस करेक्टर बढ़ा है, परसेंट एस करेक्टर के बढ़ने का मतलब है कि ये न्यूक्लियस के अधिक नजदीक है, और अगर ये न्यूक्लियस के पास है तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना कठिन काम है. तो जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस के पास होगा उसको डोनेट करना उतना ही कठिन होगा. और लुईस बेस हम किसे कहते हैं, वो होता है लुईस बेस, वो स्पीसीज होती है जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते. तो अगर यहां पर कंपैरिजन देखेंगे तो इस केस में परसेंट एस करेक्टर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिट में रहेंगे, ऑर्बिटल में रहेंगे जहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा. क्योंकि यहां पर क्या जुड़े हैं, तीन एफ एटम जुड़े हैं, इनमें परसेंट एस करेक्टर कम हो रहा है. तो कहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा. तो ये परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया, परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस के नजदीक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से डोनेट नहीं हो पाएंगे जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो पाएंगे. सो NH3 इज मोर बेसिक देन NF3. तो यहां पर हम बेंट रूल के हिसाब से बता सकते हैं कि क्यों NH3 एक अच्छा बेस है NF3 से. क्यों है बच्चों, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, NH3 के केस में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर परसेंट एस करेक्टर उतना अधिक नहीं होता जितना अधिक NF3 के केस में है. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि परसेंट एस करेक्टर कम होने से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आसानी से डोनेट किया जा सकता है. क्योंकि जहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा, और न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन दे पाना, क्योंकि वो तो अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को दे पाना मुश्किल होगा क्योंकि वो जो है वो दे आर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल पढ़े थे NH3 एंड PH3 के बच्चों. तो NH3 के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो NH3 में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और PH3 में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आपने देखा था कि जो NH3 का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस में है बच्चों, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में. ओके, और जो यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है PH3 में वो कहां है, प्योर एस ऑर्बिटल में. अब आप देखिए कि यहां पर NH3 के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जबकि PH3 के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्योर एस ऑर्बिटल में है. जो प्योर एस ऑर्बिटल में है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अफेक्टेड है, और अधिक अफेक्टेड है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो सकता. जबकि NH3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से इट कैन बी इजिली डोनेटेड एज कंपेयर टू दिस PH3. सो NH3 इज अ गुड बेस while PH3 इज नॉट अ गुड बेस. PH3 एक अच्छा बेस नहीं है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कहां होता है, प्योर एस ऑर्बिटल में होता है, जिसको डोनेट कर पाना मुश्किल होता है. ओके, इसलिए NH3 एक अच्छा बेस है, PH3 एक अच्छा बेस नहीं है, जबकि दोनों के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. थर्ड जो एप्लीकेशन है बेंट रूल की वो क्या है बच्चों, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें पता चल सकता है कि क्यों एक बॉन्ड लेंथ अधिक है और एक बॉन्ड लेंथ कम है, एंड दिस कैन बी अज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेंट रूल. बेंट रूल ये हमें एक्सप्लेन करता है. ओके, अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें. अगर मुझसे कोई पूछे कि ये जो CH बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में और जो CH बॉन्ड है सेकेंड स्ट्रक्चर में, इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होती है, तो ये मैं बॉन्ड जो बेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकता
सकती हूँ। अब आप देखिए दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थ्री एटम्स जिनको हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक जगह फ्लोरीन से और एक जगह क्लोरीन से। तो अब आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है बच्चों, अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो फिर ये जो जो बॉन्ड्स हैं वो किनके साथ बनेंगे, जहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो परसेंट एस करेक्टर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, इन तीनों बॉन्ड्स का अधिक डिक्रीज होगा एस कंपेयर टू सीएल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर आप मानिए कि यहां पर अधिक डिक्रीज होगा, यहां पर कम डिक्रीज होगा। इसलिए परसेंट एस करेक्टर जब इधर डिक्रीज होगा तो यहां क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, परसेंट एस करेक्टर विल इंक्रीज, परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, परसेंट एस करेक्टर के इंक्रीज होने का मतलब क्या है, परसेंट एस करेक्टर देखिए, अब आप फिर से सोचिए sp2, अब आप सोचिए परसेंट एस करेक्टर बढ़ने का मतलब sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और sp2 का मतलब डबल बॉन्ड और sp3 का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो अब आप देखिए जब परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ओके, तो इसका मतलब है कि लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, इसलिए ये जो CH बॉन्ड है इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एस कंपेयर टू दिस CH बॉन्ड। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो परसेंट एस करेक्टर है CH फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये अधिक है और CH जो परसेंट एस करेक्टर सेकेंड स्ट्रक्चर में है ये कम है। तो अगर यहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक है तो ये परसेंट एस करेक्टर अधिक मतलब बॉन्ड लेंथ कम, इसका मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम होगी और जो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगी, अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है CH बॉन्ड की वन स्ट्रक्चर में ये कम होगी और ये क्या होगी, अधिक होगी। ओके, तो इसका जस्ट अपोजिट हम क्या कहेंगे, अगर मैं CF की बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो जो CF की बॉन्ड लेंथ होगी वो अधिक होगी क्योंकि यहां पर पी करेक्टर अधिक है और यहां पर पी करेक्टर कम है, इसलिए CF की बॉन्ड लेंथ अधिक होगी और CCl की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी बॉन्ड लेंथ अधिक होगी, कौन सी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो हम इसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा ओके, तो क्या होगी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बहुत आसान है, जहां पर परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहा होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगेन आपके सामने तीन स्ट्रक्चर हैं जहां पर आप देख सकते हैं एक में चारों एच हैं, एक में तीन सीएल हैं, एक में तीन एफ हैं। ओके, तो यानी तीन एच, तीन सीएल और तीन एफ, एफ इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अमंग दीज थ्री एटम्स, देन सीएल, देन एच। ओके, तो परसेंट जो एस करेक्टर है वो सबसे ज्यादा कहां डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा बच्चों ये वाले स्ट्रक्चर में। ओके, उसके बाद अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को अपने आप दिखाऊं तो मैं मान लीजिए दिखा रही हूं कि यहां पर परसेंट एस करेक्टर इतना डिक्रीज हुआ, यहां पर जो परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हुआ वो कितना डिक्रीज हुआ, परसेंट एस करेक्टर मान लीजिए इतने ही अमाउंट से डिक्रीज हुआ। ओके, और यहां पर जो परसेंट एस करेक्टर है वो तो बराबर है, परसेंट एस करेक्टर सारे बॉन्ड्स में क्या है, बराबर है। ओके, तो आप ये बताइए कि यहां पर परसेंट एस करेक्टर सबसे अधिक सबसे कम है, तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर सबसे अधिक होगा, यहां पर परसेंट एस करेक्टर कितना होगा बच्चों, सबसे अधिक होगा। यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, ये फिर उससे कम होगा। ओके, और यहां पर जो परसेंट एस करेक्टर होगा वो उससे भी कम होगा। आप समझ गए, क्योंकि यहां पर एफ में परसेंट एस करेक्टर सबसे कम होगा, यहां पर परसेंट एस करेक्टर इससे अधिक होगा, यहां पर परसेंट एस करेक्टर सबसे अधिक होगा। इसलिए अगर हम CH बॉन्ड को देखें तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर सबसे अधिक होगा, यहां पर परसेंट एस करेक्टर उससे कम होगा, यहां पर परसेंट एस करेक्टर उससे कम होगा। जहां पर परसेंट एस करेक्टर सबसे अधिक है
वो वाली बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। तो ये सी एच बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, फिर ये वाली होगी सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ फर्स्ट स्ट्रक्चर में होगी। ओके, और जब हम बॉन्ड लेंथ बताएंगे तो आप देखेंगे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है इसमें परसेंट एस करेक्टर सबसे कम है, तो सबसे लंबा बॉन्ड सी एफ होगा, फिर सी सी एल होगा, फिर कौन होगा सी एच। तो हमें क्या देखना है, परसेंट एस करेक्टर कौन से बॉन्ड में बढ़ रहा है और कौन से बॉन्ड में घट रहा है। जहां पर परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहा है वहां पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, मैंने आपको ये दिया हुआ है कि अगर यहां पर ये जो है ये एच है, ठीक है, एक हमने लिया है एच और एक हमने लिया है ओ एफ। तो अगर हम यहां पर देखें बच्चों, ये एच थे एफ नहीं थे, तो दो ज्योमेट्री में हम देखना चाह रहे हैं कि किस स्ट्रक्चर में ओ ओ बॉन्ड लेंथ जो है वो अधिक होगी, किस में कम होगी। अब आप देखिए यहां पर जो पहला स्ट्रक्चर है, यहां पर एफ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, यहां पर क्या है एच है। ओके, तो अगर हम यहां पर देखें तो इसकी क्या होगी बच्चों, इसकी जो परसेंट एस करेक्टर होगा वो परसेंट एस करेक्टर कैसा होगा, इस बॉन्ड का जो परसेंट एस करेक्टर है वो क्या होगा, परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। इसका परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहां पर परसेंट पी करेक्टर अधिक होगा तो एस जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एस परसेंटेज अगर वहां कम होगी तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, इनक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर कम हो गया, यहां पर परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया। तो जैसे ही परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, तो यानी यहां पर अब आप देखिए मैंने यही लिखा है, जो एफ ओ बॉन्ड में जो परसेंट एस करेक्टर है वो कम होगा और यहां पर जो परसेंट एस करेक्टर है वो अधिक होगा। इसलिए जो ओ ओ है फर्स्ट स्ट्रक्चर में उसका परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा इसके परसेंट एस करेक्टर, और अगर यहां पर एस करेक्टर अधिक है तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, और ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट द बॉन्ड लेंथ इन दी मॉलिक्यूल्स वेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। जहां पर डिफरेंट तरीके के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे वहां पर हम बॉन्ड लेंथ को समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो क्योंकि हम बॉन्ड लेंथ बता पा रहे हैं इसलिए हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इजीली बता सकते हैं। ओके, अगर मैं सी सी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को जानना चाहूं, ये दो स्ट्रक्चर है बच्चों, यहां पर सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट एच हैं जबकि यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट चेंज किए हुए हैं वो क्या है एफ है। तो अगर मैं यहां पर सी सी बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखना चाहूं और सी सी बॉन्ड की स्ट्रेंथ एंड लेंथ दोनों देखना चाहूं तो मैं कैसे बेंट रूल की हेल्प से बता सकती हूँ, कैसे बता सकती हूँ। अब आप देखिए ये सी एफ बॉन्ड है, तो ये जो सी एफ बॉन्ड है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस एफ की वजह से एस परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर यहां पर परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस बॉन्ड का परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और जैसे ही परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल बॉन्ड लेंथ। ओके, तो और जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब स्ट्रेंथ। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर टू में जो सी और सी की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अधिक होगी सी और सी की बॉन्ड स्ट्रेंथ से। ओके, मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं, क्योंकि यहां पर एफ है, एफ है तो यहां पर परसेंटेज करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, यहां डिक्रीज होगा तो सी बॉन्ड सी में ये परसेंटेज करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ये परसेंटेज करेक्टर इंक्रीज होगा यहां पर बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस
सेकंड स्ट्रक्चर में जो सीसी की बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में सीसी की बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है, क्योंकि ये बड़ी है इसलिए ये वीक होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी और इस सी और सी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, अधिक होगी। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों की बेंट रूल कैसे हेल्पफुल है, डिफरेंट आपने इसके एस्पेक्ट देखे, डिफरेंट आपने इसके एप्लीकेशन देखी बेंट रूल की, और वो एप्लीकेशंस आपने क्या देखी, एक आपने देखा बॉन्ड एंगल की। हम इस बेंट रूल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन्ड एंगल को, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंट एस करेक्टर बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, तो सीधे सीधे आपको ये देखना है कि परसेंट एस करेक्टर कहां पर बढ़ रहा है, वहीं पर क्या होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंट एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल्स, ये हमारा कंक्लूजन निकला, जहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा। दूसरा जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा वो पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस, और यहां पर ये कंक्लूजन निकला कि जहां पर परसेंट एस करेक्टर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में है, परसेंट एस करेक्टर अगर लोन पेयर में अधिक है तो फिर वो लेस बेसिक होगा। ओके, लेस बेसिक होगा क्योंकि जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा लोन पेयर में तो वो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, अगर वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। नेक्स्ट जो हमने इसका जो इफेक्ट पढ़ा वो पढ़ा, जो एप्लीकेशन है वो पढ़ा बॉन्ड लेंथ में, और अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि जो परसेंट एस करेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/ बॉन्ड लेंथ के। ओके, तो जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, सीधे सीधे आपको क्या निकालना है, परसेंट एस करेक्टर, जहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर हमने पढ़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, जो परसेंट एस करेक्टर है उसको हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे जहां पर भी परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो परसेंट एस करेक्टर से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे बेंट रूल एप्लीकेबल है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, बॉन्ड लेंथ बताने में, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने में, बॉन्ड एंगल बताने में और बेसिक नेचर को बताने में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेंट रूल एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो थैंक यू वेरी मच।